Hello, assalamu alaikum everybody, and welcome to the session of Coffee with CEO. As you all know, Coffee with CEO is a session initiated by Management House and CEO Club Pakistan. And in this session, we introduce you to another Pakistani CEO, an entrepreneur who has made his own or more than one institution and has made his own institutions and has made his own. And today I'm really very, very, very proud to have a CEO जिनके लिए एक बड़ा love suit करता है वो है diversification. ये एक साहब हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के काम बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चलाए. Please welcome Dr. Imran for the session of Coffee with CEO. कैसे हैं Imran? ठीक है. It's a pleasure to be here at Management House. Thank you. Have you seen the Management House yet? Yeah, I have seen virtually already, and I have heard already so much from Ijaz, and today I'm witnessing myself. Okay, ji. So let's start the session formally. हम Dr. Imran की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज जो मेरे ज़हन में आती है वो Movenpick ice cream. He is the one who is dealing with Jofa Grroup, and within that Jofa Grroup, they do deal with the Movenpick ice cream. Not only Movenpick, there are other related international ice cream brands as well, jinko ye under Jofa Grroup deal karte hain. Aisa hi hai Dr. Saab? Bilkul aisa hi. Theek hai, aap thoda sa explain karenge ki what? Yeah, we are the multinational company, aur jo hamare distribution products hain uske andar Movenpick ice cream, Movenpick coffee, Movenpick fine foods, ये हमारी products हैं. Then again Mondelez ice creams, ये जो आप Oreo chocolates and Mars chocolates and Dime chocolates and flake chocolates खाते हैं, इनकी जो ice creams हैं, we are the distributor for entire Pakistan. So these are our products. The other products of Jofa Grroup are Asim Jofa Lawn, very popular in Pakistan. Ooh, right. मतलब just imagine अभी हम वो सारी chocolates और Oreo biscuits को ही सोच रहे थे. जल्दी से इन्होंने हमें आसिम जोफा लॉन्ग या एंड देन वी डू डील इन आसिम जोफा डायमंड गैलरी व्हिच इज ज्वेलरी एंड एज वेल इन कंस्ट्रक्शंस. सो ये वो हमारी जो सम ऑफ द बिजनेसेस हैं जो जोफा ग्रुप के अंदर आते हैं, एंड मी बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज लुकिंग आफ्टर देम. सो लुक एट द इंडस्ट्रीज व्हिच ही इज कवरिंग. पहले एफएमसीजी, सारी चॉकलेट्स एंड ऑल एंड ऑल, उसके फौरन बाद इन्होंने हमें आसिम जोफा लॉन्ग का बताया, एंड थर्ड लास्ट नॉट द लीस्ट बट द ज्वेलरी बिजनेस व्हिच इन विच द जोफा ग्रुप इज इनटू. इन नटशेल द सीईओज आर नॉट सो हैप्पी विद अस क्योंकि उनके उनके बच्चे और उनकी बेगमात खर्च करती हैं और वो बेचारे पे करते हैं, तो इसलिए वो हमसे कोई ज़्यादा खुश नहीं रहते. पहले मुझे लगा था व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग हिम कि मैं तो अभी वो माल टीजर्स और ओरियो को ही सोच रही थी, तो साथ ही लॉन आ गया. एंड देन अभी आई वाज इनटू लॉन, एंड देन फॉरन ही आपने मुझे देन यू ज्वेलरी में आ गए. मगर कहानी अभी यही ख़त्म नहीं है माशाल्लाह. डॉक्टर साहब आप खुद बताइए, डॉक्टर इमरान आप क्यों हैं? नाउ दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ हिज इंट्रोडक्शन. देखिए मेंटल हेल्थ इज़ माई पैशन, और पैशन जो है वो गोज़ वे बैक व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5. और मेटाफिजिक्स, पैरासाइकोलॉजी, बियॉन्ड सेंसेस, लोगों को काबू करना, ये सारी चीज़ें जो है, हिप्नोसिस जिसको आप कहते हैं. सो व्हेन यू सेड जस्ट हिप्नोसिस, इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट US, और जो अमेरिका के अंदर है, और सारे जो है वर्ल्ड के अंदर उनके जो है वो मौजूद हैं ट्रेनर्स. दे हैव 3 मास्टर ट्रेनर्स इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इन एशिया, एंड आई एम वन ऑफ देम. सो आई ट्रेन इंटरनेशनली, एंड आई डिज़ाइन प्रोग्राम्स फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफरेंट फील्ड्स इन हिप्नोथेरेपी. एंड एज आई सेड, मेंटल हेल्थ इज़ माई पैशन सिंस आई वॉज इन ग्रेड 5, और कंटिन्यूसली मैं अब इस पे जो है वो डेवलप करता हूँ, प्रोग्राम्स डेवलप करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इदारों के लिए, और उसके बाद फिर सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ. अच्छा, अब आप ज़रा दोबारा से वापस जाइए. वो सीईओ हैं 3 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के, एंड नाउ ही इज़ डॉक्टर फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल. तो ये अभी ये सब कुछ आप कट्ठा कैसे मैनेज कर लेते हैं? हमारे तो बच्चे होते हैं ना, उन्हें हर 2 सब्जेक्ट्स के साथ तीसरा सब्जेक्ट देते हैं तो वो फौरन कहते हैं नहीं भाई, दिस इज टू मच, वी कैन नॉट हैंडल ऑल दिस एट वंस. तो हाउ कम यू आर हैंडलिंग सो मच इन योर प्लेट? देखिए सुबह भी एक प्रोग्राम के अंदर ये मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ डू यू वेयर मल्टीपल हैट्स,
या जो अभी आपने प्रोग्राम के अंदर कहा था कि जो डिवर्सिफिकेशन कैसे होती है या मल्टीटास्किंग जो है वो कैसे होती है. जैसे एक और भी हैट है मेरे सर के ऊपर कि आई एम कंसल जनरल फॉर फिलीपींस एंड आई टेक केयर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान. या सो देयर इज अनदर हैट व्हिच आई वेयर बिसाइड द ब्लेसिंग ऑफ ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल वाइफ two young children. My son is 25, my daughter is 20. And I have a very, very happy family life, business life, personal life, professional life, education life. So itne sare kaam agar log aksar yahi poochte hain ki itni multitasking kaise hoti hai. And I always have a time. Regardless of what I am doing, as I said, being a master trainer for in Asia, I do train all over the world. Time kaise mil jata hai? Itna sab kuch karne ke baad bhi aur itne business karne ke baad time kaise mil jata hai? Because there was a time jab log hours and minutes pe kaam karte the. Mujhme aur kisi bhi insaan ke andar, main to ek bahut chota sa ek talib-e-ilm hoon, lekin agar jo Allah ke divine paigambar hote hain unme aur mujhme ek cheez badi mushtarik hai aur aap mein bhi aur mujhme ek cheez mushtarik hai ki hum sab ke paas wahi 24 ghante hain. 24 ghante aapke paas bhi hain, mere paas bhi hain, unke paas bhi. Iska matlab hai ki jo achievers hain duniya ke wo bhi 24 ghante wale hain aur jo failures hain wo bhi 24 ghante wale hain. To iska matlab hai ki ye waqt hai ye matter nahi karta. मैटर जो है वो क्या कर रहा है कि आपकी स्टेट क्या है और उस स्टेट के अंदर आप क्या डिलीवर कर रहे हैं. देर वॉज अ टाइम वेन आई वॉज टीचिंग टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी मच ऑब्सोलीट नाउ. नाउ इज़ अ टाइम ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट. एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर एक शख्स सुबह 9 बजे आके और रात को 2 बजे तक बैठ के काम भी करके गया और 12 घंटे के अंदर वो कुछ भी डिलीवर नहीं करके गया और एक शख्स जो है वो 2 घंटे के अंदर वो स्टेट के अंदर था कि वो बहुत कुछ डिलीवर करके चला गया तो वो 2 घंटे उस 12 घंटे के ऊपर भारी हैं. और यही वो चीज़ है जो इंसान को सीखनी और हम यही जो है वो चीज़ सिखाते हैं कि आप एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब अपने उस स्टेट में कैसे रहते हैं जहाँ पे सारे काम करते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि इसके बियॉन्ड अगर आप मिनट्स में, आवर्स में, डेज़ में और मंथ्स में अपने आप को कैलकुलेट करें या फिर आप मोमेंट में रहना सीखें जिसको आप माइंडफुलनेस कहते हैं या प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं, जो लम्हे हैं ना उसकी कोई कैद नहीं होती. बाज़ा में एक लम्हे के अंदर इंसान ज़िंदगी भर का काम कर जाता है, एक लम्हे के अंदर खाका लिख जाता है, किताब लिख जाता है, पेंटिंग बना जाता है, क्योंकि उसका लम्हा जो है वो एक्सपेंड भी हो सकता है और सुकड़ भी सकता है. या वो लम्हे में कोई बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का ले लेता है. एब्सोल्युटली माइंड भी आप कहीं से गुजर रहे हो और कोई छोटी सी चीज़ आपको क्लिक करती है. तो मैं मोमेंट में रहने वाला बंदा हूँ इसलिए मेरे पास हमेशा वक्त के अंदर कुशादगी होती है, मेरे पास वक्त की कभी कमी नहीं होती. ओके ऑल राइट. सो डॉक्टर साहब आप हमें कहाँ से शुरू करेंगे, विद द कंपनी और विद द मेंटल हेल्थ साइड? वेल डिपेंड आपके सवाल के ऊपर होता है लेकिन मैं सो लेट्स टॉक विद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जो जिंदगी है वो शायद एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला से जो मुमकिन हद तक मांग सकता है अल्लाह ने मुझे ऑलरेडी अता किया है. तो मैं अगर मताफ में, खाना काबा में, सजदे में सर रख के और ऐसी कोई दुआ नहीं है जो मैं मांग सकूं, तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत कुछ अता किया है. और फिर इन्ना इलैना याबहुम सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबहुम, कुरान पाक ये फरमाता है कि और तुम हमारे पास पलट कर आओगे और हम बेशक तुम्हारा हिसाब लेंगे. और किस चीज़ का हिसाब लेंगे? सूरह तकासुर की आखिरी आयत है, सुम्मा लतुसल्लुन्ना यौमैज़िन अनिन नईम, तुमसे तुम्हारी हर हर नेमत का हिसाब लेंगे. तो अब अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको इतना ब्लेस्ड रखा है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी है, मुझे स्टेटस दिया है, मुझे एजुकेशन दी है, मुझे रिसोर्सेज दिए हैं, तो फिर मेरा हिसाब भी मेरे स्टूडेंट जैसा तो नहीं होगा, मेरा हिसाब मेरे ड्राइवर जैसा भी नहीं होगा, मेरे एम्प्लॉई जैसा भी नहीं होगा. तो अगर मेरा हिसाब ऐसा होगा और मैंने ये सोचा कि अगर मुझे आज हिसाब देना होगा तो मुझे समझ में आ गया कि शायद मैं नाकाम तरीन शख्स होऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैंने ज़िंदगी के अंदर दूसरों के लिए बहुत अच्छा किया हो लेकिन मैंने वो नहीं किया जितना मुझे दिया गया है. तो दैट मेड्स अ डिसीजन फॉर मी टू माइग्रेट बैक टू पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर मैं जिस वक्त यहाँ पर आया तो लोग हंस रहे थे इसलिए कि आई लिव मोस्ट ऑफ माई लाइफ आउटसाइड पाकिस्तान. और कनाडा के अंदर मैं रहता था और अमेरिका में मैं और कनाडा में मेरा बिजनेस था और लोग ये कहते थे कि जो ड्रीम लेके लोग जाते हैं वो ड्रीम आपने अचीव कर लिया है, सो मच सो कि आपका स्टेटस ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में वॉक इन हो सकते हैं इन कनाडा. और ये सब छोड़ के और आपके पास बिजनेसेस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और उसके बाद आप छोड़ के पाकिस्तान उस वक्त क्यों जा रहे हो जहाँ पर कराची के अंदर 36 लाशें रोज़ गिर रही हैं? क्या वजह थी? और वो भी अपने कैनेडियन बॉर्न बच्चों को लेके.
और वो शायद इतनी जल्दी एडजस्टमेंट भी सारी चीज़ें देखिए बात सारी ये है कि अगर मेरे मुल्क को ज़रूरत है, बहुत सारे लोग दूसरे ममालिक का जो है वो एग्जांपल्स देते हैं कि जी उन्होंने मुल्क में वापस बुला लिया उनको वो, या वो पैकेज वही दे रहे हैं। अगर एक अमेरिका के अंदर कोई शख्स $400 घंटा काम करता है और उसको मुल्क के अंदर बुलाया जाए और कहे कि हम आपको $400 देंगे पर आवर काम करने का, आप मुल्क में वापस आ जाएँ, और वो मुल्क वापस भी आ जाता है, तो उसने कौन सा एहसान किया? क्योंकि उसको अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका में अगर वो $400 कमाता है तो $300 खर्चा है वहाँ का, और यहाँ पे अगर वापस आता है और अगर वो $400 जो है वो कमाता है तो यहाँ पे $100 भी खर्चा नहीं है, तो उसने कौन सा एहसान किया? बात तो सारी ये होती है कि जी वो $400 के बजाय आपको यहाँ $100 मिलेंगे, लेकिन मुल्क को आपकी ज़रूरत है। ये मुल्क जिसने आपको आइडेंटिटी दी है, जिसने आपको पहचान दी है, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, और ठीक है दुनिया के अंदर आप कुछ भी बन गए हो, लेकिन इस मुल्क का कर्ज तो नहीं उतार सकेंगे। तो हाउ वाज योर बिगनिंग इन पाकिस्तान, क्या मुश्किल थी? देखिए बात सारी अच्छी ये थी कि मैंने बड़ी सेल्फ मेड ज़िंदगी गुजारी है, आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे मकाम पे हूँ, और लेकिन मैंने फाका भी देखा है। मैंने ज़मीन पे रहा हूँ, मैंने ज़मीन पे काम किया है, बड़ा मैंने स्ट्रीट्स के ऊपर काम किया, प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, मैंने यूनाइटेड नेशंस के जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने प्रोस्टिट्यूशन पे, मैंने बेगरी के ऊपर, मैंने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, बड़े स्ट्रीट्स के ऊपर, पीरों फ़कीरों के ऊपर मैंने बड़े जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो ज़मीन पर भी रह के किए हैं। तो अगर आप अपना लिंक कभी ना तोड़ें तो फिर आपके लिए एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप हकीकत पसंद हैं, मुझे मालूम है मेरे मुल्क के अंदर मिट्टी उड़ती है, मुझे मालूम है मेरे मुल्क के अंदर लाइट जाती है, मेरे मुल्क की मालूम है कि यहाँ के पानी जो है वो गदला हो सकता है, तो इसलिए मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा क्योंकि मुझे पहले ही मालूम है। और मैंने तो गुरबत में अपना नाता कभी अपने मुल्क से नहीं तोड़ा, जब मेरे पास मुमकिन हद तक जो है वो फंड्स हुए मैं पाकिस्तान सबसे पहले आता था, पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो रहता था, तो इसलिए मुझे जो वो एडजस्टमेंट्स हैं, और फिर ये मैंने चूज़ किया है ना, मुझे वहाँ भी यही रियलाइज़ किया कि कोई ऐसी जगह नहीं है जो मुझे ऊपर जाने से रोक सके, मौत तो मुझे कहीं पर भी आ जाएगी। यहाँ पर आने का मतलब सिर्फ ये था कि कुछ सेंसिबल डिसीजन लेने चाहिए। ज़ाहिर रोड के ऊपर आप जाएं और आपको मालूम है हालात ख़राब है तो एहतियात कीजिए। अगर मैं ब्रांड आईफोन लेके और रोड पे नाचता हुआ सेल्फियाँ लूँगा तो ज़रूर कोई ना कोई फ़ोन छीन के जाएगा तो इसका मतलब ये कि मुझे ख्याल करना चाहिए, एहतियात थोड़ी सी जो है वो करनी चाहिए। और फिर कुर्बानी जहर है, मैं नहीं समझता कि हम कुर्बानी दे रहे हैं कि अगर हम थोड़ी सी एहतियात बरतें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। मैं बहन बिकॉज बींग इंटरनेशनल ट्रेनर फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम रशिया टू ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, अफ्रीका, आई डोंट इवन रिमेंबर कि कौन से कंट्री में मैं नहीं गया हूँ इन माई लास्ट 25 ईयर्स। इस सारी मौजूदगी और मैंने दुनिया के अंदर जैसे मैंने आपको कहा मैं रहा हूँ, आई रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स, नेशनल अवार्ड फ्राम कैनेडा, नेशनल अवार्ड फ्राम पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज फ्राम पाकिस्तान फॉर सोशल सर्विस, फॉर सोशल सर्विसज, नेशनल अवार्ड फ्राम फिलीपीन। इस सारे के बावजूद भी आज भी हतमी तौर पर ये दावे से ये कह रहा हूँ अपने बच्चों को कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतरीन मुल्क कोई नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतरीन मुल्क कोई नहीं है। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं आप यकीन माने कहीं पर भी नहीं है। सो डॉक्टर साहब, आर यू हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स अवर यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग नाउ? आई एम डेफिनेटली नॉट वेरी हैप्पी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है प्रॉब्लम इन द एटीट्यूड इज इन द कॉम्पिटेंस और व्हाट व्हाट वेयर द और द बिहेवियर वेयर द प्रॉब्लम इज व्हाई यू आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स अवर यूनिवर्सिटीज़। देखिए पॉइंट ये है कि जब मुझे एहसास हो गया कि कर्ज़ उतारना है और काम करना है पाकिस्तान के लिए भी और पर्टिकुलरली मुस्लिम उम्मा के लिए भी, तो आपको सबसे पहले डायग्नोसिस करना होता है। हम तो डायग्नोसिस के लोग हैं ना, मेंटल हेल्थ तो आपको डायग्नोसिस सिखाती है। मैंने ये नोट किया आने से पहले कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये तरक्की नहीं कर पा रहा है बहैसियत एक इंडिविजुअल भी और मेरा मुल्क भी, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके कुछ रीज़न्स थे। एक रीज़न्स ये था कि हम कंटिन्यूसली नेगेटिव स्टेट में रहते हैं, तो अगर एक इंसान कंटिन्यूसली नेगेटिव स्टेट में रहेगा तो वो कभी भी प्रोस्कवर नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पे ये थी कि हम हमेशा विक्टिम कॉन्शियस रहते हैं। इसका मतलब ये कि हम मुतासिर हैं और हम ब्लेम करते हैं, यानी मुल्क अच्छा हो जाए, करेंसी अच्छी हो जाए, पुलिस अच्छी हो जाए, ट्रैफिक अच्छी हो जाए, हालात अच्छे हो जाए, लोग अच्छे हो जाए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं अपनी तरफ से अपने आप को कभी कॉज साइड पर लाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और तीसरी चीज़ तो खैर मैंने पाकिस्तान में आके सीखी कि हम अनफॉर्चुनेटली इंतहाई नाशुक्र लोग हैं, कि हमारे पास जो मौजूद है हम उसके ऊपर शुक्र अदा नहीं करते। बल्कि मैं तो अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा मेरा रब मुझ पर इतना मेहरबान होता है
कि अभी वो बात मेरी ज़ुबान पर नहीं आई होती और वो मैनिफेस्ट हो जाती है और मेरे सामने वो चीज़ आ जाती है, और उस वक्त भी बजाय इसके कि मैं कहूँ अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लू व लका शुक्र कुल्लू, मैं कहता हूँ काश कुछ और मांग लिया होता। यानी आप ये नाशुक्री की वो स्टेट है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने अभी मुझको ऊपर ये एहसान अजीम किया, फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ कि काश मैं कुछ और मांग लिया होता। और इंसान लालची तो होता है ना। और कुरान पाक जो है वो बड़ी क्लियरली डिवाइड करता है सूरह नमल की आखिरी आयात के अंदर कि हाजा मिन फजल रब्बी, ये तुम्हारे रब का फजल है, और जो शुक्र करते हैं वो सिर्फ अपने लिए ही शुक्र अदा करते हैं और जो शुक्र नहीं करते वो कुफ्र करते हैं। तो अब अगर हम नाशुक्र हैं तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये आए। दूसरी चीज़ क्या हुई, 1000 साल से हमने सवाल पे पाबंदी लगाई, 1000 साल से हमने तहकीक को पर पाबंदी लगाई अपने ऊपर, और हम एंड यूज़र बन गए हैं। आप मुझे 1000 साल से मुझे बता दें कि मुस्लिम उम्मा ने क्या प्रोड्यूस किया, मुस्लिम उम्मा ने क्या बनाया, क्या नई तहकीक की, दुनिया को ख़ुद बना के क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो आज भी अगर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं ये ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इसके अंदर वो लोग हैं जो शायद इल्म से मोहब्बत नहीं रखते, जो तालीम के फ़रोग से मोहब्बत नहीं रखते, और इसीलिए मेरे जो बच्चे हैं जो यूथ है अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये सिस्टम आपको कुछ नहीं देगा, ये रॉटन सिस्टम है, ट्रस्ट में ये आपको वो चीज़ पढ़ा रहा है जो दुनिया के अंदर ऑब्सोल्यूट हो गई है। मैं अभी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज़ के अंदर जो है वो लेक्चर दे रहा था 2 साल पहले, उस वक्त मैंने उनके एंटरप्रेन्योर से जो है पूछा था, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट वालों से पूछा था कि ये मुझे बताइए कि आपकी जो BBA की किताबों में उबर Airbnb है। उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा जो चीज़ आज अमेरिका की बात कर रहा हूँ, आज अगर उनकी BBA की किताब के अंदर उबर और नहीं है और Airbnb नहीं है, और ये बच्चा 4 साल के बाद तो बाहर आएगा, इसका मतलब है कि आपकी किताब जो भी आज पढ़ रहे हैं वो ऑब्सोलीट है। और अगर आपके पास वो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, देखिए ये कितने दुख की बात है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सस्ता तरीन इंटरनेट हो और पाकिस्तान SEX के सर्च के ऊपर सबसे ऊपर हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर सबसे ऊपर हो, और तहकीक के अंदर वो ज़ीरो हो। तो मेरे जैसा एक पढ़ाने वाला कैसे मुतमईन हो सकता है इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि जो कि ना उस बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ा रहा हो, ना उसकी कोई करेक्टर बिल्डिंग बता रहा हो, ना उसको एक ज़िम्मेदार शख्स बना रहा हो, ना उसको माशरे के अंदर इंटीग्रेट करा रहा हो। और अगेन अगर वो यही कहता रहेगा कि जी यूनिवर्सिटी में यही होता है और बाहर यही होता है और मुल्क में यही होता है, निज़ाम तालीम में यही होता है, तो फिर वही विक्टिम कॉन्शियस की बात कर रहा है, फिर वो कॉज साइड की बात नहीं कर रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ठीक है ना। यू आर डॉक्टर इन मेंटल हेल्थ एज वेल, तो आप तो बहुत ज़्यादा जानते हैं पर्सनालिटीज़ को, ट्रेट्स को, लीडरशिप को, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द 3 मेजर क्वालिटीज़ अ CEO मस्ट हैव? डिसीजन, कौन सी 3 चीज़ें जो कि एक CEO होगा तो ही कुड बी अ लीडर और ही कुड लीड वेल? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एक उसको डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो डिसीजंस ले सके इंस्टेंट, क्योंकि जिस तेज़ी से, जिस रैपिड से उसको डिसीजन लेना होता है, अगर उसने वो डिसीजन जो है वो नहीं लिया तो वो एक मेजर जो है वो इशू जो है वो आएगा। सेकंड चीज़ ये है कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का CEO है, उस ऑर्गेनाइजेशन की या तो प्रोडक्ट्स होंगी या सर्विसेज होंगी, राइट, हाउ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ही हिमसेल्फ यूजिंग हिज प्रोडक्ट एंड हिज सर्विसेज। सेकेंडली वो कितना पैशनेट है अपने इस जॉब के पीछे। अगर प्रोफेशन के पीछे पैशन हो जाए तो वो प्रोफेशन के अंदर हमेशा सक्सेसफुल होगा, हमेशा सक्सेसफुल होगा। दुनिया के अंदर हर फील्ड के अंदर हमेशा 2 तबके होते हैं, एक डॉक्टर वो है जिसके 6 महीने की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, और एक है अखबार में इश्तहार लगा रहा है। अखबार में इश्तहार कौन लगाते हैं? जिसके पास पेशेंट नहीं है, और एक के पास 6 महीने। अब फर्क क्या हो गया दोनों के अंदर? एक अगर आप एंटरप्रेन्योर की बात करूं, एक प्लम्बर है जो सारा दिन बाहर बैठा हुआ और कह रहा है जी काम नहीं मिल रहा, और एक प्लम्बर ऐसा है जिसके लिए 3 दिन तक आपका नलका टपक रहा है वॉशरूम का, लेकिन आप कह रहे हो वो आएगा तो मैं जो है वो कराऊंगा। अब आप मैकेनिक उठा लें, यही सेम चीज़ जो है वो आपके ऊपर तक भी जाती है कि आप ये बताइए कि कितने स्किल्ड हैं, कितने आप पैशनेट हैं, और कितने आप सेटिस्फाइड हैं अपनी प्रोडक्ट और या अपनी सर्विसेज से, अगर आपको वो खुद इस्तेमाल करनी पड़ रही हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये वो कुछ बेसिक किस्म की जो है वो चीज़ें हैं कि आप इंस्टेंट डिसीजंस लेने के लिए किस हद तक तैयार होंगे। सेकंडली, ज़्यादातर लोग जो है अगर वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं
और वो ये समझते हैं कि एक जॉब से ज़िंदगी गुजर जाएगी, एक स्किल से चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा. मल्टी टास्किंग इज़ द ओनली वे. और मल्टी टास्किंग होती है ना, मैं तो अपनी बच्चियों को देखता हूँ, राइट. वो माँ भी होती है, वो बीवी भी होती है, वो बेटी भी होती है, वो बहू भी होती है, वो अपने बच्चे भी पालती है, सबसे छोटा बच्चा अपना शौहर भी पालती है, उसके बाद उनको अपने बच्चों की ट्यूटर भी होती है. वो कितनी मल्टी टास्किंग जो है वो करती है, राइट. यही मल्टी टास्किंग की एबिलिटी है तो करती है ना. अच्छा, इसका कोई तालीम से कोई ताल्लुक भी नहीं है. ये मेरे देहात की बच्ची भी ये काम करती है. तो जो बच्चे जब फील्ड में आ जाते हैं तो वो क्यों समझते हैं कि यार मैं सिर्फ मार्केटिंग है तो सिर्फ मार्केटिंग ही रहेगी, मैं अगर इंजीनियरिंग हूँ तो इंजीनियरिंग ही रहेगी, ये साइकोलॉजी है तो सिर्फ यही रहेगी. अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, he would be knowing finance as well, absolutely, मार्केटिंग भी, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन भी, exactly, उसको वो भी जो है वो रहेगी. तो वो ये जितने स्किल्स अपने आप को जो है वो बढ़ाएगा. और मैं बीइंग अ सीईओ, मैं अपने जो है वो पोटेंशियल लोग जो जॉब सीकर हैं एक किसी भी हाल के अंदर, मैं उनको बताऊँ, एक है कि मुझे कितने घंटे के कितने पैसे मिलते हैं तो मैं उतना ही काम करूँगा, और एक ये है कि मेरा पोटेंशियल कितना है मैं उतना काम करूँगा और उसको मैं ज़्यादा बढ़ा कैसे सकता हूँ, राइट. अगर मेरा पोटेंशियल, अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुझे 9 से 5 इतने पैसे इसी काम के मिलते हैं, लेकिन मेरा पोटेंशियल है कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ. जब आप अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को ग्रो करते हैं. जिस दिन इंसान ने अपने आप को ग्रो करना छोड़ देता है उस दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है. तो आप अगर अपने पोटेंशियल पर काम करते हैं, आप यकीन माने आप ज़रूरत होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होते हैं अगर आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करते हैं. जब आप अपने की ज़रूरत पर पैसे के काम करते हैं तो फिर वो आपके लिए, देखिए अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो यू आर इजीली रिप्लेसेबल. अगर एक शख्स है उसको मैंने जॉब पे रखा है, वो 9 से 5 तक के काम करता है, 50-60 हज़ार रुपये वो लेता है, इसका मतलब ये है कि उसको रिप्लेस करने के लिए मुझे एक दिन भी नहीं चाहिए. अगले दिन मैं कहीं 50 हज़ार रुपये एक और बंदा रखूँगा. अगर आप इतने रिप्लेसेबल हैं तो आप वल्नरेबल हैं. अगर आप रिप्लेसेबल हैं तो आप वल्नरेबल हैं. लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन की नीड है तो नीड तो कोई भी नहीं छोड़ता, नीड तो कोई भी नहीं छोड़ता, राइट. और मैं तो ऐसे एम्प्लॉइज़ को जानता हूँ कि जो अपनी रेस के लिए कभी भी एप्लीकेशन नहीं देते, उनको रिटेन करने के लिए सीईओस खुद बढ़ाते रहते हैं कि चला ना जाए. नहीं, चला ना जाए. क्योंकि आप नीड बन गए हैं. और आप ये लोग आपको ऐसे बहुत सारे मशवरे देते हैं, यार 50 हज़ार रुपये मिले, जान मारने की क्या ज़रूरत है भाई. जान आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं मार रहे, अपने लिए मार रहे हैं, बिकॉज यू आर. और फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए. मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ, बच्चियाँ भी और तो खैर बच्चे भी इसी के ऊपर जो है वो काफ़ी आ गए हैं कि अपनी बैरूनी आराइश के ऊपर ठीक ठाक पैसे खर्च कर देते हैं लड़के और लड़कियाँ भी, जो कि आई थिंक मुँह धुलते के साथ ही ज़ाया हो जाती है. ऐसे ही है ना. इसी तरह आप वो कपड़े जो आप शायद दोबारा नहीं पहनते उस पर 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, 8-10 हज़ार रुपये का जूता बैट रख खर्च कर देते हैं, राइट. लेकिन अगर मुझे कोई अपनी कोई पोटेंशियल बढ़ाना है, राइट, मुझे अपना कोई पोटेंशियल बढ़ाना है तो उसके अंदर मैं कहता हूँ यार 5 हज़ार रुपये लगाएंगे, यार 10 हज़ार रुपये में ये कोर्स होगा, 3 हज़ार रुपये के अंदर जो है वो कोर्स होगा. 3 हज़ार रुपये का जो है वो मील खाया जा सकता है, लेकिन अपनी आप को बेहतर बनाने के लिए या ली जा सकती है. वो हेल्दी रहे और कल को अच्छा काम कर सके. मैंने जो है वो Grade 3 के अंदर से ट्यूशन पढ़ानी शुरू की थी. Good, जब मैं 3 साल का था तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था और मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी ये लम्हा नहीं आया आज तक भी कि मैं कहीं पे इनरोल्ड ना हूँ, यानी पढ़ ना रहा हूँ. पढ़ाता तो हूँ मैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आज तक ये लम्हा कभी नहीं आया कि जब मैं किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड ना हूँ, चाहे वो डिग्री प्रोग्राम हो, वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम हो, बट आई एम ऑलवेज इनरोल्ड इन समवेयर. ऐसलिए नहीं कि मुझे कोई डिग्रियों की तादाद बढ़ानी है या मुझे कोई सर्टिफिकेट्स की जो है बढ़ानी है या मुझे कोई नौकरी जो है वो ढूंढनी है. ये क्यों हासिल कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी पर्सनल ग्रोथ, मैंने कहा जिस दिन मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ रोकी मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा. डॉक्टर साहब, वी रियली डू वांट कि अब आप हमें लीडरशिप के बारे में बताएं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट लीडरशिप? लीडर वो होता है जो सामने वाले को लिफ्ट करता है. लीडर लिफ्ट करता है, अपलिफ्ट करता है, अपलिफ्ट करता है, राइट. लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो अपने से नीचे वालों को ऊपर लेके आता है. और बेहतरीन लीडर वो होता है जो अपने से नीचे वालों को अपने से ऊपर लेके जाता है. अपने से ऊपर लेके जाता है. मैं अपने स्टूडेंट्स को, एंड आई हैव बीन टीचिंग थ्रू आउट माई लाइफ एज आई सेड, मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि अगर आप
एक मेरे एक साल का प्रोग्राम भी वेरी हाई प्रोफेशनल प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर होता है, अगर वो बच्चे मेरे साथ एक साल भी उन्होंने पढ़ा है, और मैंने कहा अगर एक साल के एंड में मैंने अगर आपको अपने जैसा बनाया तो मैं नाकाम शख्स हूँ, तो मैंने कोई कमाल नहीं किया। मेरा कमाल ये होगा कि आप मुझसे आगे जाएँ। मैं देखें, हर पेरेंट अपने बच्चों को अपने से आगे देखना पसंद करता है, स्टूडेंट भी जाहिर है उसके बच्चे होते हैं, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन होते हैं। तो अगर मैं अच्छा लीडर हूं तो मैं अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर रहा हूँगा, मैं जो मेरी टीम है मैं उसको अपलिफ्ट करूँगा, मैं उसको अपने लिए जो है वो नहीं बनाऊँगा, मैं उनके लिए उनको बनाऊँगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो मुझसे ऊपर चले जाते हैं, देन आई सेड कि यार मेरे अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर एक और भी चीज़ अच्छी है, मुझे हर वो काम आता है जो मेरी टीम को आता है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। अगर मैं लीडर हूं तो मुझे हर वो काम आता है जो मेरी टीम को आता है, इसलिए कि मैं नॉट चेक्स, ताकि मैं अगर उनको जाऊं और उनको सिखा सकूं। देखिए ना, चेक चेक का मतलब फिर वो वाला लीडर है, राइट? वो इसलिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जी आप कुछ कर रहे हैं जी, मुझे ये काम नहीं आता। ओके, फॉर एग्जांपल, वी हैव अ चेन ऑफ अवर फ्रेंचाइजेज ऑल ओवर पाकिस्तान, राइट? लेकिन आज भी अगर आइसक्रीम का स्कूप मुझसे अच्छा कोई सर्व नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि मुझे इतनी अच्छा आना चाहिए कि अगर मैं जाऊँ और मैं कहूँ और बजाय इसके मैं कहूँ ये क्या बना रहे हो, मैं कहूँगा बेटा देखो स्कूप के अंदर आपका कर्व इतना होना चाहिए, कलाई इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, इमेज ये होना चाहिए, अब आपका स्कूप बनेगा ये बनेगा, वो इतना टेम्पटिंग, लेकिन बनाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो फिर मैं लीडर तो नहीं रहा ना, फिर मैंने सिखाया तो नहीं उसको। तो लीडर वो होता है जो अपनी टीम मेंबर को चीज़ें सिखाए और उसके बाद खुद ना करे, उनको ये करने दे, तभी तो वो ऊपर आएंगे, क्योंकि अगर मैं सारा खुद ही करूँगा तो फिर मैं लीडर किस बात का जो है वो रहूँगा। एक बात, दूसरी बात ये कि क्या मैं ऐसा लीडर हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी सिचुएशन के अंदर दे विल लुक एट मी, दे कैन कम टू मी, दे कैन अप्रोच मी, क्या मैं एक्सेसिबल हूँ, क्या मैं अप्रोचेबल हूँ, दैट इज़ बेसिकली अ लीडरशिप क्वालिटी, कि अगर मैं एक्सेसिबल हूँ, मैं अप्रोचेबल हूँ, मैं उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। हाउ डू यू वॉन्ट टू, वट कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप खुद को इन लीडरशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं? ठीक है, कॉन्स्टेंट लर्निंग है मेरे, मैं चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम ज्वेलर्स हैं, राइट? दैट इज़ अवर बिजनेस फॉर फैमिली बिजनेस, हम ज्वेलर्स हैं। हमारे यहाँ एक ऐसे ऐसे पोटेंशियल्स हैं कि लिटरली वो ऐसा काम करके लेके आते हैं, और हम उस ज़माने के अंदर बहुत एक्सपोर्ट करते थे यूएस और कनाडा एंड यूरोप, कि वो हैंडमेड आइटम जो है वो डबल जो है वो हम उसको पे भी करते थे और हम डबल के ऊपर उसको सेल भी करते थे। लेकिन उस कारीगर को डबल देने के बाद भी हम उसको ये कन्विंस नहीं कर पाते थे कि भाई तू एक और बना ले। वो कहते थे जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ अर्ली 90s की बात, अगर उसको 50,000 रुपये मिल गए हैं, वो सबसे पहले काम छोड़ के अपने गांव जाता था, और जब 50,000 रुपये खर्च करते थे फिर वापस आता था। मैं सबसे अगर मतलब आप ऑपोजिट चीजिए कि मैं अपने आप को बेबस कहाँ महसूस करता हूँ, मैं अपने जो मैं चाहता हूँ कि मैं मजीद सीखूँ, जब मुझे सामने वाले का पोटेंशियल पता हो और वो अपने काम पोटेंशियल पर करने के लिए तैयार ना हो। ही न्यू कि यार ये इसका पोटेंशियल है। मैं जे एक पोस्ट कार्ड था टोरंटो का, और उस पोस्ट कार्ड को जो है वो मैंने दिया, और उस एक वहाँ पे एक कूचे सकाफत एक शुरू हुआ था कल्चरल स्ट्रीट, उसने एक इतनी बड़ी जो है वो एक पूरी वो बनाई, 3D ग्लास पीसेज एंड कलर से उसने वो बनाई, जो मैंने वहाँ पे टोरंटो के मेयर को दी। वो कह रहे हैं यार कैसे किसी ने ये बनाई है 3D, और वो बंदा उसने मुझे बताया कि जी वो शायद मकली कब्रिस्तान के अंदर किसी मज़ारों के ऊपर नक्श का काम करता है। उसको मैंने इतना उठाने की कोशिश की उससे, फिर मैंने मेयर के ऊपर लेके आया, फिर मैंने यहाँ पे सिटी मेयर की चीज़ें बनवाई, सारी चीज़ें बनवाई, यानी उसकी वो जो मैंने देखा आपके मैनेजमेंट हाउस के अंदर बहुत सारे जो है वो शाकार जो है वो लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से वो एक एक जो अपना आर्ट है ना वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख का बेच सकता था, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं था। यानी ऐसा हुनर होता है, ऐसी सलाहियतें होती हैं, हमारे बच्चे कितने शार्प होते हैं, प्रोग्राम्स में इतने शार्प होते हैं, सेल्स में इतने शार्प होते हैं, चीज़ें डिवेलप कर सकते हैं, लेकिन उसे कहो कि यार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि मैं इंस्टिगेट जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी अपने बच्चों के अंदर, कि दिस इज़ योर पोटेंशियल, फॉर श्योर यू कैन गो देयर, बट फॉर एनी एक्स वाई जेड रीज़न नहीं उनके अंदर इनिशिएट कर पाते। चले, अब हो गई बहुत सारी सीरियस बातें, अब आप मुझे बताइए क्या राज है आपके इतना खुश रहने का? क्या ये आपकी वो रिसर्च है, मतलब यू आर नोन एज अ हैप्पी पर्सन,
जो कि बहुत कम लोगों को ये लकब मिलता है कि जी वो लोग खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। चक्कर क्या है आपका, क्या इसमें क्या रेसिपी क्या है, साइंस क्या है, क्यों रहते हैं आप इतना खुश भाई? क्यों रहते हैं? अच्छा, ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। पहले से देखें, जो लोग दूसरे लोगों के अंदर फिक्र में रहते हैं कि ये क्यों खुश रहते हैं, वो ज़रा कम ही खुश रहते हैं। तो अच्छा, मैं तो एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको। मैं आपको जनरल प्रिंसिपल देखे, बहुत सारी बड़ी हमें भी कुछ राज की बात शेयर करें ना बेटा। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, इंटरनेशनली बड़े पॉपुलर हैं, और बड़े ऊपर से बड़े मेरे को प्रेशर आते हैं कि ये जो है वो करवाया जाए। अभी रिसेंटली मैंने इस्लामाबाद के अंदर भी ये बहुत जो है वो हाई प्रोफाइल खवातीन को ये कराया। जैसे एक प्रोग्राम है हाउ टू लुक एंड फील यंगर, बड़ा मेरा पॉपुलर प्रोग्राम है, या फील यंगर, राइट। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ये अट्रैक्ट बड़ा करता है, राइट, एकदम खवातीन जो है जो पहले बड़ा जो है वो हो जाता है। लेकिन इसके अंदर करने के कुछ ऐसे बेसिक काम होते हैं जो बड़ा मुश्किल लगते हैं। तो खैर, जब मुझे बड़ा प्रेशर पड़ा 2 साल के बाद, मैंने वो एक्सेप्ट किया, मैं उस एक ग्रुप के अंदर चला गया, कोई 100-125 से ज़्यादा खवातीन थी। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा देखें बहने, आपने मुझे बुला तो लिया है हाउ टू लुक एंड फील यंगर, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो आप कर नहीं सकेंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम करेंगे। मैंने कहा आप बताएं तो सही। मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको, एंटी एजिंग जीन्स कैसे काम करती हैं, राइट, ये जीन्स रिवर्सल कैसे काम करता है। मैंने कहा ये जब काम करता है कि जब आप किसी की दिल से तारीफ करें। अब आप ये बताएं कि ये खातून दिल से दूसरी खातून की दिल से इसका मतलब ये है कि सारी खवातीन अगर दिल से दूसरी खवातीन की तारीफ करेंगी तो वो 10 साल छोटी। मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, देख रिमेंबर, आई टीच इन यूनिवर्सिटीज, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं यहाँ पे आना, आई एम ऑथर ऑफ द बुक्स, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं विदाउट एम्पिरिकल एविडेंस बता, आई एम टॉकिंग अ रिसर्च हियर। तो वो, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर एक खातून जैसा दूसरा जोड़ा कोई दूसरी पहन के उस वक्त आ जाए तो वो जो एक दूसरे के बारे में तासुरात होते हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर जो है वो नहीं होता। अच्छा, ये तो आसिम जोफा वाले भी है ना। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हम तो रिसर्च बेस्ड है ना, मैं तो रिसर्च बेस्ड है ना। एक ब्रांड जब आपका कोई एक आर्टिकल हिट हो जाता है तो क्या होता है, राइट, या कोई खातिर, या जिस तरह खवातीन जो है वो मोस्टली जो है वो मिलती हैं और आगे कहती है अल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो, और उसके बाद तो दिल से, तो अब आप जब दिल से नहीं करेंगे, दिल से नहीं करेंगे ना। अच्छा, इसी तरह देखें, एक तरीका तो हो गया दिल से तारीफ करनी है, दिल से तारीफ, दूसरे को अप्रिशिएट करना है। दूसरी बात ये है कि देखें, माइंड बॉडी एंड सोल, जो हम सुनते आते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ माइंड बॉडी एंड सोल, ये 3 एंटिटीज हैं जो हमारी जिस हुए हैं, इस पर हमारी प्रोडक्ट्स भी, हमारी बुक्स भी हैं। हसद जैसे पे कहते हैं, हसद जहनी बीमारी नहीं है, हसद रूहानी बीमारी है। इसलिए कि हसद का क्या मतलब है कि मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं हूँ, ठीक है ना, यानी उसको, उसके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास स्टेटस क्यों है, उसके पास खूबसूरती क्यों है, उसके पास माल क्यों है, ये तकसीम अल्लाह की है ना, ये अल्लाह की तकसीम है ना। तो अगर मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं हूँ तो ये मेरा ज़हनी मसला नहीं है, ये मेरा रूहानी मसला है, कि यानी मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से बेहतर नहीं है, तो इसलिए इसका इलाज भी ज़ाहिर रूहानी होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब हमारा जो लाशऊर है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो रेपिटिशन से हैबिट बनाता है, राइट। अच्छा, जब आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ रिपीट करते रहें तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और वो इजाज़ जो है वो बड़ा मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बात के ऊपर, ऐसी एक महफिल में जो है ऐसी क्लोज बात हो रही थी जिसमें मैंने कहा था कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे कहते हैं कि पापा आप सोते हुए भी मुस्कुराते हैं। तो मैंने कहा बेटा ये मम्मा को नहीं बताना वरना पता नहीं कि वो कहेंगे क्या चल रहा है ख्वाब में जो है वो क्या देख रहे हैं, राइट। मैं अपनी बेटियों को जो है वो कहता हूँ, बहनों को कहता हूँ कि अपनी खासतौर से जिनको शौहरों से एतराज़ होता है, मैं कहता हूँ कि जी ख्यालात पर पाबंदी बेटा नहीं लगाया करो, क्योंकि अगर ख्यालात के ऊपर पाबंदी लगाओगे तो बंदा अमल की तरफ जाता है जो खतरनाक हो सकता है। राइट, जो अगर ख्यालात में कुछ कर रहा है तो आई थिंक इतनी तो इतना नुकसानदेह जो है वो नहीं है, उसको अमल तक ना भेजो, ख्यालात तक रहो। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर दायमी मुस्कुराहट रहा करती थी। आपसे ज़्यादा मसाइब किसी ने नहीं उठाए होंगे, और जितना रेवोल्यूशन के लिए आपने काम किया इतना किसी शख्सियत ने, किसी हस्ती ने नहीं किए होंगे। लेकिन आपके वापस ला रहा हूँ आपके चेहरे मुबारक पर हमेशा दायमी मुस्कुराहट रहा करती थी।
फिर कातिब तकदीर जो है, अगर करें नंबर वन तारीफ करनी है, नंबर टू नो हसद एट ऑल, ठीक है, नंबर थ्री और तीसरी मुस्कुराना है, खुल के मुस्कुराना नहीं, और मैं उसी तरफ जो है वो लेके जा रहा हूँ, मैं तीसरी चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ, तीसरी चीज़ जो फाइनल वो है कि कातिब तकदीर तकदीर बदलता है, कि कातिब तकदीर तकदीर बदलता है जब इंसान सिदके दिल से दुआ करता है और सदका और खैरात करता है। कातिब तकदीर मौत टाल देता है, बीमारियां पलट देता है, आफात हटा देता है, बलियात हटा देता है जब सच्चे दिल से, सच्चे दिल से इखलास से दुआ करता है और सदका और खैरात करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। इसका मतलब ये है कि आप तकदीर बदल सकते हैं अपनी, अगर आप अपने किसी भाई के लिए सिर्फ मुस्कुरा भी दें, क्योंकि ये एंडोमॉर्फिन्स वो रिलीज़ करता है जो कि नेचुरल एस्पिरिन है, जो कि नेचुरल पेन किलर है, जब आप इवन फेक भी करते हैं तो भी वो एंडोमॉर्फिन्स जो है वो रिलीज़ करता है, इंसान उस एनर्जी की स्टेट में आता है जो सामने वाले के लिए मजबूत असरात छोड़ता है। तो जब आप अपने के अलावा किसी का सोचना शुरू कर दें, तो तीसरी जो इसका जो रीज़न है खुश रहने का या मुस्कुराने का, आप अपने से अलावा किसी का सोचना शुरू कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जो मेरी मखलूक के लिए सोचता है मैं उसके लिए सोचता हूँ, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अपने रब से ज़्यादा अपने बारे में बेहतर नहीं सोच सकता। और अल्लाह ने कहा कि तुझे अपनी बेहतरी चाहिए तो मेरे मखलूक के बारे में सोच। तो जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपनी सलाहियतों से, चाहे मेरी बोलने की सलाहियत हो, चाहे मेरे किसी को हाथ मिलाने की सलाहियत हो, इंसान की ज़रूरत इंसान है और इंसान को सिर्फ कंधा चाहिए, हाथ मिलाने वाला चाहिए, गले लगाने वाला चाहिए और आंसू पोंछने वाला चाहिए। जिस दिन आपने ये किसी इंसान के लिए कर लिया तो ये बातिन और जाहिर की मुस्कुराहट तमाम मसाइब के बावजूद भी ऐसी ही रहती है। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। चलिए जी, फिर कुछ पता चला हाउ टू बी यंग, कि अगर आप उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से गुनाह सवाब में अगर लोग नहीं भी पढ़ना चाहते तो इसलिए कि आप हमेशा खुश रहें और यंग नज़र आएं, तो उसके लिए आप इनकी बातों पे अमल करें। ओके डॉक्टर साहब, आप कहाँ देखते हैं जोफा ग्रुप को 5 ईयर्स डाउन द रोड? इस वक्त करंट सिचुएशन आपको अच्छी तरह मालूम है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में इकोनॉमिकली इस तरह का कभी भी प्रॉब्लम आया हो कि जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है। और मैं अभी भी जो है वो हुक्मरानों से ये कहूँगा कि आप कुछ होश का नाखून लें। एक घर जिसके अंदर दीमक लगी हुई होती है उसको रिपेयर करने के दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये होता है कि उसके नहीं, उस घर के मकीनों को कहीं भेज दें, पूरा घर गिरा दें, और उसके बाद उनको जब पूरा बनाए जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, और उसके बाद उन दोबारा ला के उन मकीनों को रख दीजिए। लेकिन अगर आपके पास दूसरे घर भेजने का ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप उसको रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन करते हैं, जिसके लिए एक टाइम लगता है और ये सब इंटरकनेक्ट होते हैं। तो ऐसे होश किस्म के जो है वो स्टेप्स जो है वो लीजिए कि जिससे ये घर पूरा ना गिर जाए, राइट, गाड़ी रुक ना जाए। और इस तरह के स्टेप्स हो रहे हैं कि जिसकी वजह से इतना इंतशार, इतनी एम्बिगिटी, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं जो आप कह रहे हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, मैं एग्री कर रहा हूँ कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई समझता है कि दुनिया के अंदर कभी इस तरह से, कभी दुनिया के अंदर इन्फोर्स करने से, कभी दुनिया में डंडा चलाने से, कभी दुनिया में मारपीट करने से मईशत चली है? ये टोटल गलत मॉडल है। ये मारपीट का जो निज़ाम था ना, ये तो रशिया का हम देख चुके हैं कि वो मुल्क ही ख़त्म हो गया और सुपर पावर भी हो गया और टोटल कोलैप्स हो गया। तो ये मैं इस बेस के ऊपर किसी, मैं तो जोफा ग्रुप तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो एक किसी भी एक ठेले वाले के बारे में फिक्र कर रहा हूँ कि ये कल को क्या करेगा। जिस तरह आप इसको ट्रीट करना चाह रहे हैं, जो आपने इस पूरा पहिया रोक दिया है, इस पहिए को रोकने के लिए बिजनेसमैन इस वक्त एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक डिफरेंट, देखिए घर के मकीनों के मशवरे से तो घर के मसाइब शेयर किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने घर के मकीनों के मशवरे के बगैर उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये आपकी जो अच्छी चीज़ भी है ये भी फेलियर हो रही है। तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर नहीं समझता कि जहाँ पे हमारा मुल्क कल का नहीं सोच सके, जहाँ पे आपकी करेंसी डिवेल्यूएशन पर डे के हिसाब से 20% हो जाए, वहाँ पे आप क्या प्लान करेंगे कि अगले साल क्या होगा और 5 साल के बाद क्या होगा, कहाँ होगा या 6 महीने बाद क्या होगा। हर शख्स इस वक्त जो है वो परेशान है क्योंकि एम्बिग्यूटी है। देखिए, सरप्राइजेज इंसान को परेशान करते हैं, फ्लक्चुएशन इंसान को परेशान करते हैं। हमारे जो घर के अंदर बिजली के इक्विपमेंट्स ख़राब होते हैं वो फ्लक्चुएशन से ख़राब होते हैं, बिजली के एकदम ज़्यादा वोल्टेज आ गए, कम आ गए, वो बिठा देता है। ब्लड प्रेशर क्यों साइलेंट किलर कहलाता है? क्योंकि फ्लक्चुएट करता है।
डायबिटिक क्यों साइलेंट किलर कहलाता है? क्योंकि वो फ्लक्चुएट करती है, कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग। तो ये जो आपने फ्लक्चुएशन का काम किया हुआ है, सुबह एक एसआरओ जारी कर दें, शाम को एक एसआरओ जारी कर दें, सुबह एक परसेंटेज लगा दें, शाम को एक परसेंटेज लगा दें। मैंने किसी ने प्लान किया, आपने कहा यार 5% का टैक्स होगा, बहुत अच्छी बात है, 5% को प्लान करेगा, दूसरे ने आप कहें ये 15% हो गया। किसी का सामान आ रहा है, किसी का जा रहा है, उसको यही नहीं पता कि कल क्या रेट होगा, कि वो कह रहा है ये मैं बंद कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। यानी ये सब बिजनेसेस का हाल ये है, मैं दुकानों की बात कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी इंडस्ट्रीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। छोटी छोटी दुकान वाला अगर अपनी दुकान बंद करता है तो कम नुकसान होगा, और चलाएगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। एक छोटी सी दुकान में भी 2-3 नौकर तो काम करते हैं ना। अच्छा, उसके पास तो इतना सरमाया है कि वो अपने कहेगा यार ठीक है यार मैं बंद करके 6 महीने बैठता हूँ। उस 3 बेचारे जो रोज़ काम करते थे, तो आपका ये रेवेन्यू नहीं। देखें मैंने क्या किया जी, 500 अरब रुपए मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए ऐसा करता हूँ कि मैं डंडा चलाता हूँ, इतना डंडा चलाया कि काम ही बंद हो गया, 3,000 अरब रुपये जमा ही नहीं हो सके। बिकॉज देयर इज नथिंग happening, भाई एक्टिविटी होगी तो टैक्स होगा ना। 15% जो है वो मुझे हर हाल में टैक्स चाहिए, इसलिए बिजनेस ही बंद हो गए। 5% पे चलाने देते तो हो सकता है आपके 10 जमा हो जाते हैं, डेफिसिट हो जाता है। यानी आप उसको वॉल्यूम को इस तरह आप एडजस्ट करें कि जिसको आपने हिट करना है आप उसको डेफिनेट हिट कीजिए, जो टैक्स चोरी कर रहा है आप जाके उसको पकड़िए, आप उसको जो है वो बताइए, उसके शूज़ में जाके देखिए कि वो टैक्स चोरी क्यों कर रहा है। यार आपके मुल्क के अंदर पैरेलल सिस्टम चलता है, आप ईमानदार बने ना, सब लोग ईमानदार बने कि हमारे मुल्क में पैरेलल सिस्टम चलता है, हमारे मुल्क के अंदर रिश्वत दी जाती है, हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ चालान नहीं होता, चालान के साथ अलग एक अमाउंट भी होती है, तो वो भी पार्ट ऑफ बिजनेस होती है, वो भी कॉस्ट उसी के अंदर ही होती है। आप इन सारी या तो आपने उनको एलिमिनेट कर दिया है, ऐसा तो नहीं है ना। आज कोई भी जगह के ऊपर बगैर किसी रिश्वत के आपके मुल्क में काम नहीं होता, ये आपको भी मालूम है अच्छी तरह। आप ऐसा करें कि उस कॉस्ट को भी तो इंटीग्रेट करें ना, यानी आप उस इंसान को जीने दें, उसको काम करने दें, उसको हौसला अफजाई करें और उसको बोलें कि यार देखो अभी थोड़ा टैक्स ज़्यादा देना होगा, हम मुश्किल में हैं, हमें अपने आप को डॉक्यूमेंट करना होगा, हम अपने आप को मुश्किल में हैं। लेकिन ये जो सिलसिला एम्बिग्यूटी का चल रहा है, ये जो सिलसिला अनसर्टेनिटी का चल रहा है, सरप्राइजेस का चल रहा है, ये मेरे ख्याल में ये हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं है। और उसके बाद जो आपके मीडिया आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, सोशल मीडिया आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, कभी कोई नारा लग, यानी अगर लेट सपोज एक अफवाह चल रही है, वो सोशल मीडिया पर भी अफवाह चल रही है, उसके बाद टीवी पर भी चल रही है, आपके न्यूज़ चैनल्स पर भी चल रही है, 15 दिन के बाद आपने कहा कि ये अफवाह थी, आप 15 दिन तक क्यों सोए हुए थे? आपकी मिनिस्ट्रीज 15 दिन में तरदीद क्यों नहीं कर रही थी? अगर कोई दुश्मन की भी साजिश थी, पहले तो हमसे बड़ा अपना दुश्मन कौन होगा, दुश्मन को हमारे लिए कुछ करने की क्या ज़रूरत है जो हम खुद हरकतें कर रहे हैं। अगर आपने ये नहीं सोच रहे कि आप इसकी तरदीद आज क्यों नहीं कर रहे, 15 दिन तक जब इतनी एम्बिग्यूटी हो गई, इतनी अनसर्टिनिटी हो गई, इतना डैमेज हो गया, फिर आपने कहा कि नहीं यार ये तो अफवाह थी। अच्छा, इतनी अफवाहें हैं और इतना सच है कि अब यही नहीं पता कि इसमें अफवाह कौन सी और इसमें सच कौन सा है, इसको हैंडल करना किसका काम है? आपका। तो ये जो 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 मसला है, स्कूल कैसे भेजें, कल को स्कूल की फ़ीस क्या होगी, स्कूल के ऊपर जो है वो टैक्स है, आप सोचें ना, ये अगर उसने उसकी तनख्वाह ये है, वो पहले ही वहाँ पे मासेस ले ऑफ हो रहे हैं, वो कहाँ से? इट्स अ चेन, समबडी इज़ नॉट रियलाइजिंग कि दिस इज़ अ चेन। अगर आप इस तरह एक जाके चीज़ हटाएंगे, लोग अभी उनको 6 महीनों में समझ आएगी कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग विद देम ना। हाँ, लेकिन अगर उस 6 महीने के अंदर आपके 60-70% बिजनेस एक्टिविटी बंद हो जाए, तो अगर आपको समझ भी आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? फिर उसको रीजनरेट करने के लिए आपको पता नहीं कितना पैसा, दिमाग, टाइम है भी नहीं ना। हाँ, है भी नहीं आपके पास, है भी नहीं ना कि राइट यार वो समझ ही कुछ नहीं आई, पूरा घर ही गिर गया। ऐसा करते हैं फिर बनाते हैं, फिर पैसा वो है भी नहीं बनाने के लिए पैसा, फिर ये कैसे आएगा? तो ये मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त सैनिटी जो है वो प्रिवेल नहीं कर रही है, सैनिटी इस वक्त जो है वो प्रिवेल नहीं कर रही है। सारा अच्छा काम है, मैं अगेन दोबारा ये कह रहा हूँ, ये इंटेंट भी बहुत अच्छी है, ये मेजर्स जो हैं, इनके जो एक्शन और बिहेवियर है ये बड़ा क्वेश्चनेबल है, ये होना चाहिए जैसा कह रहे हैं, लेकिन तरीका ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तरीका पूरी दुनिया में कहीं कामयाब नहीं हुआ, कहीं कामयाब नहीं हुआ। ओके, और हम ऐसे मुल्क नहीं हैं जिनके अंदर 300-500 अरब डॉलर आपके रखे हों कि आओ तजर्बा करें। है ना, आप तजर्बे की रिसोर्सेज के अंदर आप जो है नहीं है। और एक और बात जिसकी वजह से मैं डर रहा हूँ, आप कहते हैं कि हमारी जो यूथ है वो 60% से ज़्यादा है, ठीक है, अंडर 30 जो है हमारी मेजर पॉपुलेशन है, ये हमारे लिए कुव्वत भी है और यही हमारे लिए हलाकत भी हो सकती है।
क्योंकि जब आप इसका एब्सोल्युटली जहरी दबाव फ्रस्ट्रेशन इनके पास अगर रास्ता नहीं होगा, इनके पास कल नहीं होगी, इनके पास मुस्तकबिल नहीं होगा, और हमारे मुल्क के अंदर इनको असला उठाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इनको छीना छपटी करने में कोई देर नहीं लगेगी। देखिए तो उनके रवैये बर्बाद कर देंगे। देखिए रवैया, मुझे एक बताएं कि कौन ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को सिसकता हुआ मरता हुआ देख सके कि उसके पास दवाई अवेलेबल ना हो? कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटियों को सिसकता हुआ देखता रहे कि उसके पास खाना नहीं हो? वो क्यों नहीं उठाएगा? वो क्यों नहीं शिद्दत पसंद बनेगा? वो क्यों वहाँ पे जो है वो नहीं जाएगा? वो क्यों छीना झपटी नहीं करेगा? आप इस नहज पे क्यों लेके जा रहे हो जहाँ पे सारे लोग नीचे निकल के एक दूसरे को मारना शुरू कर दें? फिर क्या करेंगे? फिर कौन सा रेवेन्यू आएगा? फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी? तो सोचे ना, फिर कैसे जो है वो आएगी? तो ये डिज़ाइन सोचने वालों को ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई ये शॉर्ट टर्म के, अच्छा फिर शॉर्ट टर्म में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हुआ, कोई कलेक्शन टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आप उसी से सीख लें, उसी से सीख लें कि यार ये मॉडल कामयाब नहीं हुआ, लेट्स हैव अ मॉडरेट मॉडल। फेलियर से किसी बड़े फेलियर को अवॉइड कर दें। तो इस वक्त अगर मैं नहीं समझता कि चाहे वो एक छोटा ठेले वाला हो, बिकॉज एज ए सेड आई वर्क्ड ऑन द स्ट्रीट, एक छोटा ठेले वाले से लेके और आपका कोई भी टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर हो, एक्सपोर्टर हो, वो भी हो विद इवन 50,000 एम्प्लॉइज वाला हो, मुझे अगर एक हैप्पी शख्स मुझे बता दे, सेटिस्फाइड शख्स बता दे जो मुतमईन हो पूरे पाकिस्तान में, वो नहीं है। तो क्या सारे चोर हैं यार जो पाकिस्तान चला रहे हैं? वो सारे चोर हैं जो सारे काम कर रहे हैं? वो सारे चोर हैं, राइट? जो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं वो सब चोर हैं, राइट? हम जो है वो $15,000 की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेके आए मेंटल हेल्थ की, ट्रीटमेंट चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, हम सब चोर हैं, राइट? वो हॉस्पिटल्स जो चला रहे हैं, जो पैरेलल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, वो सब चोर हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, आप किसी की इज्जत को इतना भी ध्यान चलाएं कि वो बेचारा जो कर रहा है, एक तो गवर्नमेंट ने अभी तक, अगर आप यकीन माने, अगर हमारे पास पैरेलल ये NGOs, NPOs, दर्दमंद दिल लोग, मुखलिस पाकिस्तानी लोग नहीं होते, तो आपको बताया आपकी गवर्नमेंट हेल्थ और इनकी हेल्थ में, और आपकी गवर्नमेंट एजुकेशन और इनकी एजुकेशन के अंदर, आप मुझे बताइए कि कौन इस खला को कौन पूर कर रहा है? और यही लोग आप जाके आप उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दें कि तुम सब चोर हो, के हो रहे होंगे। मैं कब कह रहा हूँ चोरी नहीं हो रही होगी, राइट? मैं कब कह रहा हूँ चोरी नहीं हो रही होगी? 4 चोर होंगे, 5 होंगे, तो आप 10 को एक जैसा तो ट्रीट नहीं कर सकते ना। आप 4 को उठाइए, मैं कह रहा हूँ इबरत बना दीजिए, आप 4 को उठाइए और इबरत बना दें जिनके बारे में आपको 100% श्योर है उनको, जिनके बारे में आपको 100% श्योर है उनको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जिनके आपको 100% श्योर है उनको तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, आप कुछ कर पा रहे हैं, राइट? जो कर रहा है ना वो भी तो कह रहा है ना कि यार पागल ही था। अभी मैं आपको अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, लाइव जा रहे हैं सबने, लोग कह रहे हैं कि यार हम पागल ही थे, छोटी मोटी चोरी करके बदनाम हो रहे हैं, बड़ा ही कर लेते कम से कम सेफ तो होते। सोचे ना, बड़े ही कर लेते, सेफ तो होते ना, हाँ ऐसे ही ना सेफ हो जाते। तो ये जो सोच है, ये इस सोच के ऊपर काम करने का किसका काम है? मैं ये मुझे मेरी ऑन एयर में बता रहा हूँ, मेरी वज़ीर तालीम साहब से मुलाकात, बहुत ही अच्छे आदमी है, बड़े सिंसियर हैं, वज़ीर तालीम जो है हमारे वफाक विचार, वो बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक यूनिफाइड सिस्टम बन जाए, एक निज़ाम बन जाए, कितने ज़बरदस्त इंटेंशन हैं उनके, आई रियली एडमायर दैट पार्ट। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा सर एक कंसल्टेंट बनता है ना, डॉक्टर जिसको आप कहते हैं कि कसाई बन गया है, एक कंसल्टेंट को 24 साल पढ़ना पड़ता है, 12 साल इंटर करता है, 5 साल फिर MBBS करता है, फिर 2 साल हाउस जॉब करता है, 4 साल फिर FCS करता है या जो भी उसके है, तब वो आता है और बाहर 24 साल, इस 24 साल के निज़ाम तालीम में एक भी सब्जेक्ट, कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर और बुक की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की मोरालिटी एंड एथिक्स पे, मोरालिटी एथिक्स पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी उस 24 साल में उस डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को मोरालिटी एंड एथिक्स किसी ने नहीं पढ़ाया, स्कूल के अंदर किसी ने नहीं पढ़ाया, मदारिस के अंदर, खुतबों के अंदर, मस्जिद के खुतबों के अंदर कहीं पर भी नहीं है। वालदेन की तरजीहात अब वो कुछ और है, दादा दादी साइड पे लगाए जा चुके हैं, वो भी नहीं बता रहे, तो ना घर बता रहे हैं, ना वालदेन बता रहे हैं, ना मदारिस बता रहे हैं, ना मसाजिद बता रही हैं, ना स्कूल बता रहे हैं, ना आपका निज़ाम तालीम बता रहा है, और फिर आप कहते हैं कि ये बाहर निकल के कसाई हो गया। उसके सामने शख्स बैठा हुआ ऑब्जेक्ट है, इंसान नहीं है। जिस तरह आप चिकन कबाब खाते हैं तो आपको ख्याल कभी आता है कि यार ये मुर्गी थी जिंदा, इसका गला कटा था, इसका खून निकला था, उसके बाद इसका कीमा बना है, लेकिन आपको कबाब खाते हुए नहीं ख्याल आता ना, क्यों? कि आपके लिए कबाब ऑब्जेक्ट है। आज इंसान के सामने बैठा हुआ शख्स ऑब्जेक्ट है, उसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है और कहते हैं यार ये क्यों कर रहा है? आपने पढ़ाया नहीं ना,
जब आपने उसकी पूरी लाइफ के अंदर उसको ये पढ़ाया ही नहीं है, तो मैंने कहा खुदारा ये आप बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट्स बनाएं, आप यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, खुदारा इस निज़ाम तालीम के अंदर एक मोरालिटी एंड एथिक्स का चैप्टर डाल दें, ताकि अगर वो जब उसका अंदर किरदार होगा, किसी दूसरे के लिए रहम होगा, तो वो हरकत नहीं करेगा। वो हो सकता है अपनी आधी रोटी को भी डिवाइड कर ले कि आओ दोनों मिलके खा लेते हैं, राधा देन के मैं छीन लूँ। तो ये मतलब ये एक वो साइड है, बट आई अगेन एज ए सेड आई एम अ वेरी पॉजिटिव साइड। मैं ये बात समझता हूँ स्पेशली जो हमारी जो यूथ के अंदर एनर्जी है कि वो सेल्फ के ऊपर लेके जाएं और वो खुद क्या करें और काम करने से ना शर्माएं। कोई भी छोटा बड़ा काम करने से ना शर्माएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हाथ से अपना हर काम घर पर कर ले, देखें हम रिवायत सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर आटा गूंद लेते थे, आप सिलाई कर लिया करते थे, आप जूते भी टांग लिया करते थे, आप आग भी दहका दिया करते थे, आप बकरी का दूध भी निकाल लिया करते थे। ये घर के काम बता रहे ना, तो ये बेसिकली हम मर्दों को बता रहे हैं कि भाई तुम घर के अंदर भी काम किया करो और बाहर निकल के भी काम किया करो। ये हमें ही उन्होंने बताया ना, हम अगर अपने घर के अंदर काम नहीं कर रहे कोई फ़ख्र की बात नहीं है, अगर अल्लाह के रसूल कर सकते हैं तो हमें हर हाल में करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ज़रा अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा वो चेंज करते हैं, बताइए आपको ये आसन जोफा का एक्सपीरियंस क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए आसन जोफा ये वो एलीट नीश मार्केट ब्रांड है? नहीं, ये बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आसिम जो है, मोहम्मद आसिम इज़ द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, और आसिम जो है वो डिज़ाइनर है। okay. और ही लुक्स आफ्टर फ्रॉम परसीविंग ऑफ द डिज़ाइन ऑल द वे टिल मार्केटिंग। तो मेरे ख्याल में अगर आपको आसिम जोफा के ऊपर अगर इंटरव्यू करना है तो आसिम विल बी द बेस्ट पर्सन टू आस्क अबाउट कि किस तरह वो डिमांड कैसा है, कि आपके सूट आते ही बिक जाते हैं क्या चक्कर? देखिए वजह इसकी ये है कि कुछ स्टैंडर्ड ऐसे ही है वो इसलिए है कि आसिम जोफा ब्रांड की कुछ गाइडलाइन है जो आसिम ने जो है वो इस्टेब्लिश की हुई हैं। एक तो ये है कि फ्री नहीं देते ओके। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर ये होता है कि आप कॉल करेंगे तो आपको एक सूट मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं होता कि आपको जो है वो इनक्रेज किया जाए कि आप जाके फैशन शो करें या मॉडलिंग करें। अच्छा। ये चीज़ भी नहीं की जा सकती, की जाती है इसके अंदर। चौथा ये है कि आसिम जोफा की जो अपनी गाइडलाइन है कि वो कम्पीट अपने आप से करते हैं, मार्केट से नहीं करते। सो मार्केट में क्या चल रहा है, नॉट इंटरेस्टेड। मार्केट किधर जा रही है, नॉट इंटरेस्टेड। क्या ट्रेंड चल रहा है, नॉट इंटरेस्टेड। हम अपनी प्रोडक्ट आसिम ने बनाई है और आसिम ने कहा कि जी अगली जो प्रोडक्ट है वो इससे अच्छी होगी, क्योंकि हमारा कंपटीशन अपनी प्रोडक्ट से है कि अपनी प्रोडक्ट से है। तो एक चीज़ ये होती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप या तो ट्रेंड फॉलो करें या ट्रेंड सेटर बन जाएं। तो आप ट्रेंड सेटर बन जाएं। तो इस वजह से जो है वो एक सक्सेस मॉडल है जो है अप्लाई किया। अगेन नीश मार्केट के लिए है, इसीलिए उसकी जो मार्केटिंग है वो भी नीश में ही होती है। अगर अब जो एक चार साल पहले या तीन साल पहले, दो साल पहले हाइप थी कि आसिम जोफा आता था और फौरन ही बिक जाता था, कि अब भी ऐसे ही है? नहीं, देखें हुआ ये है कि ब्रांड बहुत ज़्यादा नहीं, पहले भी देखें 2010 के अंदर ये वबा फैली थी जिसको मोर वाला आपका डिज़ाइन, हाँ वो भी था, आई रिमेम्बर, या ऐसे ही था 2010 के अंदर वबा फैली थी कि जहाँ पे हर को डिज़ाइनर जो है वो बनना था, डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट आया, एग्जीबिशन होनी शुरू हुई, ख़वातीन ने एक दूसरे को मारपीट के जो है वो सूट लेने शुरू किए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होता है, अच्छा हमारी कॉम के अंदर एक बहुत 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 अच्छी है, कोई भी नई चीज़ आ जाए उसको जब तक फूंक नहीं देते अब हमारा मीडिया देख लीजिए, चैनल आए 140 चैनल हो गए, 70 न्यूज़ चैनल हो गए, तो हम हर चीज़ को पहले जो है ना फूंक देते। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ कि जी डिज़ाइनर वबा फैली, वो वबा ज़ाहिर है फिर सेटल डाउन होती है, तो वो सेटल डाउन हो गई है। जितनी आपकी डिज़ाइनर इंडस्ट्री आप कह सकते हैं कि ये सेटल डाउन अब होना शुरू हो गई है। इसके अंदर दो तीन चीज़ें ये थी कि पहले अब देखें ना, अभी जितना डिजिटल ऑप्शन अवेलेबल हो गया कि आप ऑनलाइन के ज़रिए आप बहुत ईजीली बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर अब क्या ज़रूरत है कि भागा जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि पहले ट्रेंड ये था कि साल के अंदर हर मेजर जितने भी ब्रांड्स थे मैक्सिमम जो आते थे वो दो वॉल्यूम्स आते थे, एक समर के अंदर आएगा और एक बड़ा लिमिटेड विंटर के अंदर आएगा। अभी एवरी मंथ एक वॉल्यूम आता है, एवरी मंथ वॉल्यूम आता है और हर ब्रांड का आता है,
तो वो भी जाहिर एक कैपेसिटी है एक खातून की कि जी हर महीने मुझे मतलब एक लेना है और सबका लेना है, वो तो नहीं हो सकता। यानी वो पहले जो 15-15 उठा के ले आती थी, अभी भी 15 लेती है, कहती हर महीने एक ले लूँगी, मैं ले लूँगी, अगले महीने फिर कुछ नहीं आएगा तो अभी मैं क्यों लूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में मेरी बच्चियाँ जो है या ख़वातीन जो है मेरे मुल्क की, अब बड़ी समझदार भी हो गई हैं अब वो, और बहुत अच्छी बात है। इवन दो कि मतलब बिज़नेस प्रॉब्लम, कोई कहेगा यार ये कम हो जाएगा इससे बिज़नेस, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि मेरी ख़वातीन जो है या मेरे मुल्क की जो ख़वातीन हैं वो ये समझ गई हैं कि मैं लिबास नहीं हूँ, मेरी शख्सियत इस लिबास के अलावा भी कुछ और है, और अगर मुझे कैरी करना आता है और अगर मैं बातिन से मुतमईन हूँ तो फिर मैं ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जब तक मैं ब्रांड लेके नहीं पहनूंगी जब तक मेरा इम्प्रेशन नहीं होगा। तो ये भी जो है वो बच्चियों ने जो है वो सीख लिया, समझदार हो गई हैं कि नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी शख्सियत इन्हांस होती है। तो खाली अगर मैं, और मैं तो अपने बच्चों को भी ये समझाता हूँ कि बेटा जिस दिन आपकी घड़ी से, गाड़ी से, कॉलर से और शर्ट से कोई मुतासर हुआ है तो उसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ नहीं है और ये चीज़ें दायमी नहीं हैं, कल को ये नहीं होंगी तो फिर कैसे सर्वाइव करोगे। तो ये जो 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 समझदारी आई है, और अभी तो खैर मिक्स एंड मैच, जैसे आपने कॉपी का कहा तो बच्चियाँ बड़ी समझदार हो गई हैं, मिक्स एंड मैच से बहुत सारी चीज़ें समझ जाती हैं, टेलर्स को भी जो है वो सिखा दिया है कि मिक्स एंड मैच से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहन सकते हैं, अब बड़े आराम से पिछले वॉल्यूम भी पहन के आ जाते हैं, बड़े आराम से साल पहले का वॉल्यूम भी जो है पहन के आ जाती हैं, वो सेल्स में आ जाता है। तो अब उनको ये नहीं लगता कि यार अच्छा हो तुमने अभी तक पुराना वाला पहना हुआ है, उनको पहले लगता था पुराना पहने का मतलब है कि तुम पुरानी हो गई हो, मतलब नए होने का मतलब ये कि मैं रोज़ एक नया जो है वो पहनूं, तो वो वैसे इकोनॉमिकली भी जो है वो फिजिबल जो है वो नहीं होता। तो और अवेलेबिलिटी ऑफ सो मैनी डिज़ाइंस ना हो, ये काफ़ी स्पेशली यंग जनरेशन तो बड़े अच्छी तरह, या वर्किंग क्लास भी अब अच्छी तरह समझ में आ गई है। दैट मींस आसिम जोफा की सेल और ये सब कुछ, बिकॉज ऑल दो कि इतने सारे ब्रांड्स आ गए बट यू आर एडजस्टेबल लेवल, ऐसे हमेशा से टारगेट चाहिए था। हमेशा भी टारगेट चाहिए था कि आपकी पहचान पैशन है ना, आसिम जोफा का जो ब्रांड है वो आसिम का पैशन है, उसका प्रोफेशन नहीं है, ही इज़ अ पैशनेट, उसका पैशन होना चाहिए कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जब सामने वाली इसको वेयर करे तो वो शी फील्स दैट शी इज समथिंग, तो वो उसका पैशन है। तो वो पैशन अगर मेंटेन हो रहा है और ब्रांड अगर मेंटेन हो रहा है तो दैट्स अ गुड इनफ। डॉक्टर साहब रैपिड फायर, आप फटाफट वाला जवाब दे रहे हैं, हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस, योर फेवरेट फूड? यार माय फेवरेट फूड इज क्वाइट चेंजेबल, लेकिन मैं खशखश की चटनी बहुत शौक से खाता हूँ। किसकी? खशखश की चटनी बहुत शौक से खाता हूँ। खशखश की चटनी? हाँ, मैं गरीब परवर किस्म का बंदा हूँ। योर फेवरेट एक्टर? यार मुझे पहचान भी नहीं है एक्टर्स की। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस की तो और भी नहीं है। ओके, ठीक है। मूवीज जो है वो आई डोंट रिमेम्बर विच वाज द लास्ट मूवी आई वॉच, लेकिन अगर कोई मुझे ये बताता है कि ये मूवी के अंदर कोई मैसेज होगा, आई डोंट नो। Sorry, off. मूवीज मुझे, मूवीज मुझे बुक वैसे शायद लगेगा मैं बोलने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं कुरान पाक पढ़े और सुने बगैर सो नहीं सकता। और आई एम द ओनली वन जिसने यूनिवर्सिटी के वंजर प्रोग्राम के अंदर कुरान पाक ट्रांसलेशन कंपलसरी की है। अरे वाह, मेरे प्रोग्राम के अंदर अगर आप कुरान पाक की दो खूबसूरत बातें जल्दी से बताओ, इतनी खाली जो फौरन आपके एब्रप्टली आपके दिन से सबसे पहला जो स्टार्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तारीफ, एक्सेप्ट कर लो कि सारी तारीफ है, आपने जल्दी जवाब दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है, अल्लज़ीना युमिनुना बिलगैब, और ईमान वालों ईमान ले आओ गैब के ऊपर। किसी की पर्सनालिटी में दो चीज़ें जो आप नोटिस करते हैं? मैं ये काम नहीं करता ऑनेस्टली, नहीं करता, आई डोंट ऑब्जर्व कोई अच्छी पर्सनल आइडियल, आई एम नॉट अ आइडियल वर्शिपर, आइडियल वर्शिपर। अगर कोई काम करता है, अगर कोई शख्स काम करता है और उसने उस काम ऐसा किया है, वो मेरा हमेशा हीरो होता है, वो कुछ भी हो सकता है। आसिम? आसिम। और कोई ऐसा, एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? एनी रिग्रेट इन माई लाइफ, शायद मैं इतना शुक्रगुजार नहीं था जितना अब हूँ, मुझे इससे, मैं जितना अल्लाह ने मुझे दिया था मुझे ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। दो लोग जो आपके बहुत करीब हैं? मेरी
बीवी और बेटी में बड़ा मुश्किल है, दोनों में से करीब कौन है? दोनों ही जो है वो मेरी ज़िंदगी तीन औरतों के गिर्द घूमती रही, माँ के बेटी और बीवी। अभी बेटी और बीवी में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुश्किल हो जाएगा कहना, अगर वो देख रहे होंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। आपके आप अपने आप दो ऐसी बातें जो आपने अपने वालदैन से सीखी, कनात और हलाल रिस्क। मेरे बाप ने मुझको सिखाया कि बेटा हलाल रिस्क जो है वो भूखा रहना हाथ फैलाने से ज़्यादा अच्छा है, कि ये मेरे वालिद साहब ने जो है उसे कहा है। और कनात ये मैंने अपनी वालदा से जो है उसे किया। हैप्पीनेस क्या होती है? लिविंग इन अ मोमेंट, जो चीज़ मेरे पास है उस पर खुश हूँ, बजाय इसके कि जो मेरे पास नहीं है। सक्सेस क्या होती है? सक्सेस कोई चीज़ नहीं होती, हर अपने सफ़र के हर लम्हे को इन्जॉय करना सक्सेस होता है। सक्सेस इज़ नॉट द डेस्टिनी, सक्सेस इज़ द इमोशन यू फील इन एवरी सिंगल मोमेंट। अगर मैं मरी जाना चाहता हूँ तो मैं मरी में जाके खुश नहीं होऊंगा, गाड़ी में बैठने से लेके और रास्ते में पकोड़े खाने से लेके हर चीज़ जो है वो एंजॉयमेंट है, वही सक्सेस है। ज़िंदगी मिले तो कोई ऐसा काम जो आप नहीं करेंगे? मैं ऑनेस्टली बड़ी जल्दी अपने रब के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी जल्दी अपने रब के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर मैं मुसाफिर हूँ और मुझे अपने मुस्तकिल घर जाना है। तो जितना अल्लाह ने मुझे इस दुनिया के अंदर रखा है, जो उसने सलाहियतें दी हैं, लेकिन जब मुझे मालूम है कि मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ और वो लग्जरीज इन्जॉय करता हूँ दुबई एयरपोर्ट पे, जो शायद मेरे घर में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं घड़ी देखता हूँ कि मेरी मुझे घर जाना है, तो जो मेरा असल घर है वहाँ जाने के लिए मैं ज़रूर वहाँ जल्दी जाना चाहता हूँ। बेटा दिस इज़ एंड दिस विल बी ऑलवेज द बेस्ट कंट्री। If you have any option of survival, and any option of dignity, any option for future, this is the only country. If you wear Pakistan inside, then this is the country. और जहाँ जो opportunities हैं, regardless जितनी भी मैंने बातें कही, ममालिक जो हो रहा है, माशी निज़ाम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये country यहीं रहेगा, ये country survive भी करेगा, ये country disintegrate नहीं होगा। इस country ने जो देख लिया, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, ये सारी चीज़ें वो कर चुका है। तो लेकिन अगर आपने खुद करना है तो ये कंट्री जो है वो बेस्ट कंट्री है और हमेशा रहेगा। आई स्टिल बिलीव इन दैट। थैंक यू सो मच।